नमस्कार, मैं सिंधना भारद्वाज। आज बनाने जा रही कोकोनट मैंगो शेक। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और जो कच्चा नारियल होता है कोकोनट पानी वाला, तो मैंने उसमें से, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती, मलाई को निकाल लिया है इस तरह से, तो मलाई को इस तरह डाल देंगे। और इसका कॉम्बिनेशन आम के साथ है, तो आम को भी मैं इस तरह से छील लिया है मैंने, तो इसको इस तरह से डाल देती हूँ। तो थोड़ी सी डाल देती हूँ 1 टीस्पून चीनी, थोड़े से काजू और बादाम डाल देंगे साबुत ही, और यह है कोकोनट वाटर, इसको डाल देते हैं आधा। ये हमको एक गाढ़ा स्मूथ पेस्ट रखना है इसका। अब इसको हम पीस लेते हैं। थोड़े से आइस क्यूब और डाल देते हैं इसके अंदर अब, क्योंकि ये काफी अच्छा स्मूथ पीस गया है, इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने नारियल में से वाटर और मलाई को निकाल लिया है, यूज कर लिया है, देख सकते हैं। तो इसी में मैं सर्व करके दिखलाऊंगी। तो हमारा शेक अच्छी तरह से बन गया है, ये ही बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इसके अंदर इसको पोर कर देते हैं। कटा हुआ कोकोनट इसके अंदर डाल देते हैं और कुछ आम के पीस डाल देते हैं कटे हुए, और थोड़े थोड़े इनके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, पिस्ते हैं, काजू और बादाम। और चम्मच से मैं आराम से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी इस तरह से। आम के पीस, कटे हुए कोकोनट, थोड़े इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, काजू, पिस्ते और बादाम। इसमें ड्राई फ्रूट ढेर सारे पड़ते हैं। तो मैंने एक स्ट्रॉ लगा दिया इस तरह से। कोकोनट मैंगो शेक बनकर तैयार है। आप भी बनाइए। आपके पास अगर इस तरह से गोला कटा नहीं है नारियल, तो आप अलग से वाटर ले लीजिए और मलाई को निकाल लीजिए, ग्लास में सर्व कर सकते हैं इसी तरह से। एक बार टेस्ट करके जरूर देखिएगा कि ये कितना टेस्टी और हेल्थी भी होता है बच्चों के लिए। इसमें पीने को भी मिलेगा, खाने को, ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है। तो मैं खा के पी के दिखाती हूँ थोड़ा सा। वाह, ये वाकई में बहुत ही यमी है। आप भी बनाइए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। ओके, बाय, सी यू।